इंडिया में पबजी बैन हो गई थी, जिसकी वजह से दिल हमारा टूट गया था, हमारे दिल पे बहुत बड़ी पत्थर लगी थी। अब फिर से पबजी की नई स्टेट आ रही है, पबजी न्यू स्टेट करके। तो यार इस गेम में मज़ा आएगा। मतलब कि देखो यार, पहले पबजी बैन होने के बाद जितने सारे पबजी प्लेयर्स थे सबकी तो दिल ही टूट गई थी ना। अब फिर से पबजी अब कमिंग बैक कर रही है। अब देखते हैं इस गेम में क्या क्या खास है, कब ये गेम आएगी, कैसी होगी ये गेम, कैसी है इस गेम की फीचर्स, सारे कुछ जानेंगे इस वाली वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है पबजी न्यू स्टेट के अंदर, क्या सारी फीचर्स आएंगी, क्या होंगे नए कुछ नए अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यार सबसे पहला बात है कि पबजी न्यू स्टेट जो है वो एक पुराने पबजी की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें कुछ नए अपडेट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये पबजी न्यू स्टेट साल 2051 पे बेस्ड है, यानी कि ये फ्यूचर बेस्ड गेम है 2051 पे, 2051 पे। और इसमें बहुत सारे नए वेपन्स भी आएंगे और बहुत सारे नए कार्स भी आएंगे जो कि देखने में काफ़ी गजब होंगे, और आप इसे चला सकते हो। जैसे कि पहले क्या होता था कि बग्गी पे बैठने के बाद बग्गी अचानक से फट जाती थी या मर जाते थे, मूड खराब, मूड का इतर बितर जाता था। बट अब क्या होगा, ये चीज़ें अब नहीं होंगी, ये चीज़ें ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, बग्गी में भी अब ज़्यादा जान प्राण आ गया है। तो बग्गी भी देखने में काफ़ी सुंदर सी स्टाइलिश सी लगती है, अब लोग बग्गी चलाएंगे ना कि जीप। यार मैं तो वो वाली कार चलाऊंगा जो कि व्हाइट कलर की, बहुत गर्दे वाली कार है वो। सर इन सब बातों को रखते हैं साइड में, आते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो यार, ये जो पबजी न्यू स्टेट है, ये जो गेम है ये क्राफ्टॉन की तरफ से बनाया गया है। जैसे कि देखो पबजी मोबाइल जो था वो उसमें चाइना का हाथ था, टेंसेंट का हाथ था, तो इसलिए उसे बैन कर दिया गया था। बट इसमें बिल्कुल भी चाइना का रत्ती भर भी हाथ नहीं है, तो इसे जो है क्राफ्टॉन ने फ्रीडमली लॉन्च किया, मतलब किसी की मदद के बिना इसे लॉन्च किया है। तो शायद हो सकता है ऐसा कि ये इंडिया में भी आए, फिलहाल तो सही है। बट यार बढ़िया हुआ क्या है ना कि यार ये जो गेम जो है ये रजिस्टर तो आ चुका है प्री रजिस्टर का ऑप्शन, बट यार हमारे इंडिया में ये अभी तक फिलहाल आई नहीं है। तो हो सकता है कि ये जल्द ही हमारे इंडिया में भी आए, तो बस इंतजार करते रहियो, सर्च मारते रहियो बार बार से प्ले स्टोर पर। ऐसा नहीं कि हर सेकंड पे दिल रखे दिल, यार हर दो तीन चार दिन पे रखते रहो, प्ले स्टोर पर डालते रहो। जैसे ही आपको अपडेट मिले मुझे भी बताओ कि भाई आ चुकी है हमारी पबजी न्यू स्टेट, और साथ ही मजा करेंगे उसके साथ में। अब देखो यार, पबजी न्यू स्टेट के वेबसाइट के हिसाब से जो लोग हैं, मतलब जो उसके प्लेयर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो प्री रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और अगर वो प्री रजिस्टर कर लेते हैं अभी से ही, तो उन्हें गाड़ियों पर जो कि आपकी बग्गी सग्गी जीप जाप जो है उन पे आपको परमानेंट स्किन मिलने वाली है, जो कि आप पहले वाले पबजी में आप खरीदना पड़ा था आपको। बट इसमें आप अगर प्री रजिस्टर करते हो तो आपको फ्री में परमानेंट वाली स्किन मिलती है गाड़ी की, जिसमें आप स्पाइडरमैन लगा सकते हो, या फिर आपकी मर्जी आप जो भी लगाओ, हरी पीले लाल रंगीन, आप रंगीनियां मच सकते हो अपने गाड़ी के बाहर में, और लोग देखेंगे बोलेंगे इनकी तो रंगीनियां चालू है। और साथ ही गाइस इस गेम में एक सच नया मैप आया है जिसका नाम है ड्रॉ है, जो कि काफी ही अलग है, जो कि अतरंगी मैप है पूरी पबजी की प्रजाति की। यार देखो ये ट्रॉय जो मैप है, ये दरअसल जो फ्यूचर बेस्ड मैप है, ये भी फ्यूचर बेस्ड ही मैप है, और ये साल 2051 पर बेस्ड है ये मैप। और इस मैप में आपको बहुत सारे अतरंगी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि नई नई गाड़ियाँ, नए नए फीचर्स, शीशा, जैसे कि आप इसमें ग्लास तोड़ सकते हो, किसी की भी खिड़की की कांच की ग्लास तोड़ सकते हो, जो कि टप्पू करता है आप अक्सर अपने गोकुलधाम सोसाइटी में। तो यार आप भी ग्लास तोड़ सकते हो दूसरों की, तीसरों की, जो आपको मिले वहाँ पे आप हेडशॉट दे सकते हो अपनी मर्जी। कुछ नए गन्स आएंगे, कुछ नए वेपन्स आएंगे, और साथ ही कुछ नए स्कोप्स भी आएंगे। रेड डॉट इसका अलग ही है, ये थोड़ी बहुत कॉल ऑफ ड्यूटी की आपको अनुभव कर रहा है, ये थोड़ा बहुत कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा दिख रहा है, आपको लगेगा मन में कि हाँ भाई ये थोड़ा थोड़ा तो कॉल ऑफ ड्यूटी से मैचिंग है। बट यार पबजी जो पबजी है इसका जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। सो गाइस आते हैं कुछ मेन बात पे। तो यार देखो पबजी की जो न्यू स्टेट है, कंपनी ने इसे लेकर कोई भी रिलीजिंग डेट का कुछ नहीं बताया कि कब आएगी नहीं आएगी, बस कमिंग सून डाल के .. .. लगा दिया। तो बहुत सारे लोग जो है पगला रहे हैं कि भाई ये अब आएगी, तो ये अब आएगी, ये अब आएगी। अरे YouTube पे अकेले बहुत सारी वीडियो पड़ी है जो कि बताती है कि कब आएगी पबजी। अरे तुम्हें कैसे नहीं बताया, क्राफ्टन तेरी कंपनी है क्या? अभी देखो यार ऐसा नहीं होता, अब जब आएगा तो सबको पता लगेगा, ऐसा थोड़ी है भाई सब तुम्हें ही सिर्फ पता लगने वाला है कि पबजी आ गई, सबको पता लगेगा ना भाई। तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ सबको पता लगने दो, झूठ मूठ का क्यों पागलपंती करना है।
और गाइस जैसे मैंने किस गेम में देखा और जैसे मुझे लगता है कि इस गेम में कुछ नए ड्रोन्स भी आने वाले जो कि दूर से देख सकते हैं, मतलब आपके पास एक ड्रोन का एक्सेस रहेगा जो कि आप किसी बंदे को देख सकते हो कि वो अंदर वहाँ छुपा है, जैसे फ्री फायर में एक बार हुआ था ना शायद, फ्री फायर में ऐसा होता है शायद मेरे ख्याल से, मैंने मुझे पता नहीं बट मैंने मुझे थोड़ा बहुत याद है कि हाँ शायद फ्री फायर में ऐसा होता है कि ड्रोन से आप किसी को देख सकते हो, और इससे क्या होता है पता, आपके गेम प्ले में ना मजेदार आने लगती है। आप गेम प्ले करोगे, आप मान लो ड्रोन मिल गए, यदि ड्रोन उड़ाएंगे ड्रोन उड़ाएंगे, अब पता लगा आप तो दूसरों को मारने के लिए आए थे, आपको पीछे से किसी ने मार के चल गए, कोई आपको ऐसे हेडशॉट देके चला गया, वो आपको बता भी नहीं लगा, पिस्टल से आपको या फिर पेन से ही मार दिया आपने, ड्रोन में ही खोए खोए गए। तो यार देखो ऐसा नहीं होता, ड्रोन आने वाली है, मजा आने वाला है, बहुत कुछ नए फीचर्स भी आने वाले हैं। और गाइस सबसे मेन बात यह है कि इसे जो है पुराने पबजी की तरह ही बनाया गया है, मतलब इसका ग्राफिक्स वाफिक्स सब अलग है, इसका मैप भी अलग है और वेपन्स भी अलग है, बट ये सिर्फ पुराने पबजी के लिए बनाया गया है ताकि जो पुराने यूजर्स हैं, जो पुराने यूजर्स हैं जो पहले पबजी खेलते थे, उनको कोई दिक्कत ना आए खेलते समय। अब ऐसा ना हो कि वो खेल तो रहे बस उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहाँ पे भाई स्टार्ट कैसे होगा, क्या फलाना ढिमकाना कैसे होगा, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता होगा, तो उनके लिए सबसे सिंपल है कि इसे पुराने पबजी की तरह ही दिया गया है, सब कुछ सेटिंग एक ही जैसी है। देखो तो इंडिया में बैन होने के बाद पबजी मोबाइल ने इंडिया में वापस से मतलब रिटर्न की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी बट वो असमर्थ रहे, इसमें हमारी गलती नहीं है भाई है। अब यार वो टेंसेंट की गलती है, वो टेंसेंट से मिले ही जाके क्यों भाई, जब तुम्हें इंडिया में ही रहना था तो तुम टेंसेंट से क्यों मिल गए भाई। अब ये गेम आने वाले समय में इंडिया में आएगी या नहीं आएगी वो तो पता चल ही जाएगा कि आने वाले समय में ही पता लगेगा, वो तो अभी तो पता लगने वाला है नहीं, ये कब पता लगेगा, जब आने वाला समय होगा। अब आने वाला समय कब होगा भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा एक बात पता है, पहले ना इस गेम के बारे में अफवाह हो रही थी कि भाई ये जो गेम है इसका नाम होगा पबजी 2.0 करके कुछ ऐसा ही करके नाम था ना, तो ये 2.0 करके नाम था। अब जब रिलीज हुई तो पता लगा ये तो न्यू स्टेट है, मतलब हमारे साथ स्कैम हो गया। अबे यार ये स्कैम हुआ नहीं है, स्कैम कर रहे हैं लोग तुम्हारे साथ, अबे क्यों पागल जैसी बातों में पढ़ते हो यार, जब तक पबजी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं होता है तब तक तुम लोग क्यों पगलाने लगते हो कि भाई हाँ सच्ची में ये 2.0 ही होगा 2.0, अबे नहीं होगा 2.0, जब तक कोई ऑफिशियल नहीं हो तब तक कुछ भी मत करो। बहुत सारे यूट्यूबर ने इसका रिप्लाई भी दिया था कि ये फेक है ये फेक है ये फेक है फेक न्यूज़ है, बट लोग तो हैं ही अपने पागल हैं, लगे पड़े हैं उसी के पीछे, हाँ 2.0 2.0, अगर 2.0 कहाँ से आएंगे भाई, ये क्या रोबोट 2.0 क्या, नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे कुछ भी। अब देखो यार मुझे ये तो नहीं पता ये गेम कब आएगी नहीं आएगी, बट इतना बात तो है कि जब भी आएगी धमाल मचाएगी। देखो यार अभी ना लोगों को पबजी के नाम पे कुछ भी खिलवा दो भाई उसे चलेगा, क्योंकि देखो यार पबजी एक ऐसी गेम है जो कि अभी सबके दिलों पे राज करती है, राज करती थी, अभी करती है, ऐसा नहीं लोग ग्लोबल खेलते हैं, लोग कोरियन वर्जन खेलते हैं, लोग पीसी खेलते हैं बट खेलते हैं। अब देखो पबजी ऐसी गेम है ना जो आने के 15 मिनट बाद ना प्ले स्टोर की भट्टी बैठा सकती है, प्ले स्टोर की सर्वर डाउन कर सकती है। देखो यार पबजी सबसे रिलेटेड मेरी भी फेवरेट रही है, सबकी फेवरेट रही है, आप सबकी फेवरेट भी पबजी ही रही होगी। अब फ्री फायर भी अच्छी, मैं ऐसा नहीं बोलता फ्री फायर खराब है, फ्री फायर भी अच्छी है बट पबजी अपनी जगह है, फ्री फायर अपनी जगह है, तो मैं भी पबजी की बात कर रहा हूँ फ्री फायर की नहीं। तो पबजी जो भाई साहब उतनी अच्छी गेम थी उसे बैन कर दिया गया, अब वापस ही आ रही है, तो भाई साहब तालका तो मचाएगी कुछ, ये तो है भाई साहब बहुत ज़्यादा तालका मचने वाला है इस बार पबजी को लेके। अब देखो जब भी आएगी तो मैं बता दूंगा आपको, अब इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बस ऐश करो तब तक के लिए अपनी ज़िंदगी में और अगली वीडियो का इंतजार करना। अब वीडियो लेट आ रही है यार, मुझे पता है यार क्या करें यार, एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है यार, समझो बात को यार, तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेंगे भाई लोग। तो यार तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई कंटेंट नई शानदार टॉपिक के साथ, बाय बाय।